अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी केसर बादाम मिल्क, जो घर में बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। आइए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 kg हमने मिल्क लिया है, 1 tablespoon हमने काजू बादाम पिस्ते लिए और थोड़े से केसर डालेंगे। 1/2 teaspoon हमने इलायची का पाउडर लिया है, 1 pinch हमने हल्दी ली है और चीनी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मिल्क बॉईल करने रख दिया है, इसको अच्छा से एक उबाल। हमारा मिल्क बॉईल हो चुका है, अब इसकी हम स्लो फ्लेम कर देंगे। चलिए इसमें हम डालेंगे अब हल्दी पाउडर, थोड़े से हम केसर डालेंगे, इसको हम चमचा चला के स्लो फ्लेम पे रख देंगे हल्के आंच पे। अभी इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे और इसको मिल्क को पकते पकते आधा कर लेना है। ये देखिए हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है, इसकी मलाई आप ऐसे ही पीछे करते रहिएगा जब तक ये पकते पकते आधा नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा मिल्क पकते पकते आधा हो चुका है, अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने काटे थे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रोक लूँगी। इलायची पाउडर, अब इसको हम हल्के हल्के से ऐसे ही चला लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, मेरे सब लाइट मीठा लेते हैं तो मैं लाइट से। हम स्लो फ्लेम पर और पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारा मिल्क केसर मिल्क बन के रेडी हो चुका है, अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अभी हम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे निकाल। देखिए हमारा दूध बन के रेडी हो चुका है, हमें सेम ऐसी ही मलाई चाहिए थी। हम इसको साइड करके आराम से दूध निकाल लेंगे गिलास में। अब हम इसको गिलास में मलाई को निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मिल्क कैसा लगा।